वेरी वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज जो सेबी का जो ग्रेड ए का असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, क्या कुछ क्या पैटर्न रहा और कहाँ से सवाल कैसे पूछे गए। सेक्शन वाइज हम देखेंगे, दो तीन मिनट में उसका रिव्यू लेंगे। बाद में एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। एग्ज़ाम मैंने दिया था 17 नवंबर है आज, तो मेंस का डेट क्या है वो भी हम इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्या क्या पूछा गया। रीजनिंग का बता दूँ तो रीजनिंग में बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए तो मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट रहा है रीजनिंग। सब पजल डोमिनेटेड रहा, दो तीन पजल तो बहुत बहुत कोई भी कर लेता था। दो पजल थोड़ी मॉडरेट थी और एक पजल जो ब्लड रिलेशन की थी तो थोड़ी सी हार्ड थी। डेटा सफिशिएंस के 5 सवाल आ गए थे, स्टेटमेंट कंक्लूजन के 5 सवाल आए थे। तो टोटल मिला के रीजनिंग का 25 से 30 तो 30 अटेम्प्ट तो कोई भी कर सकता था, ऐसा रीजनिंग था। मैथ्स भी बड़ा मॉडरेट था, डीआई थोड़े बहुत कैलकुलेटर आया था और मिसलेनियस पार्ट जो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम वो थोड़े मतलब स्लाइटली टफ थे। तो शायद और एक डी आई थोड़ा टफ था, तो कोई शायद ज़्यादा मैथ्स में इतना एडवांटेज नहीं ले सकता था जितना रीजनिंग में एक बैंकिंग एक्सपीरियंस ने लिया होगा। हाँ, मुद्दे की बात अब ये है कि जीए में क्या क्या आया। जीए में देखिएगा दोस्तों, जो स्टैटिक पार्ट था वो बहुत ही ईजी आया था। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे, नासिक सिटी कहाँ पे, कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, और दो तीन सवाल मतलब जो अभी भी न्यूज़ में थे कि किनको कौन सा अवार्ड किनको मिला है। सो जीए 20 मार्क्स तो कोई भी ले सकता था, 20 मार्क जीए में कोई भी ले सकता था, ऐसा जीए था। लेकिन जो बाकी जो सवाल थे बैंकिंग का वगैरह छोड़ के, तो 15-20 सवाल ऐसे 15 सवाल के आसपास तो ऐसे देखने के मिले कि थोड़ा बहुत मॉडरेट तो है। तो जीके की बात करेंगे तो मॉडरेट लेवल का मैं कहूँगा। सो यहाँ पे 20-22 मार्क तो आसानी से आ जाएंगे, जिन्होंने पहले जीके प्रिपेयर किया है उनके लिए तो ज़्यादा ही आ जाएंगे, शायद 25 तक भी ले जाएंगे बच्चे के। अच्छा एस्पिरेंट्स इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में कैसा पैटर्न रहा। इंग्लिश भी थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल का था। सो इंग्लिश में ज़्यादा तो कुछ पैटर्न अलग देखने के लिए मिला, लेकिन हाँ एक तो पैटर्न तो देखने को मिला वो कि एक सेंटेंस दिया हुआ था और आगे का सेंटेंस अपने को फाइंड करना था क्या हो सकता था। पॉसिबली 4-5 दिए थे और उसमें से भी नीचे देखना था ए एंड बी और ऑल। सो ये थोड़ा बहुत पैटर्न सबसे हार्ड सेक्शन मेरा इंग्लिश हार्ड इतना अच्छा नहीं, फिर भी मैं बता सकता कि इंग्लिश मॉडरेट था, बहुत ईजी और बहुत टफ भी नहीं था और लेंदी था। बात करेंगे सिक्योरिटीज़ और अवेयरनेस की, यहाँ पे भी जो इंग्लिश इनका अच्छा है वो इंग्लिश डोमिनेट कर गए होंगे शायद। कुछ ना कुछ अच्छा बच्चे कैंडिडेट्स तो 25+ ले सकता है इंग्लिश में, ऐसा इंग्लिश था। सॉरी अब सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे। सिक्योरिटीज़ में देखा जाए तो जो पैटर्न था वो मोस्ट प्रोबेबली एक वन लाइनर क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा थे, लेकिन इतना इजी नहीं था। जो बच्चा ने रियली सिक्योरिटीज एंड अवेयरनेस किया होगा उनके लिए ये सेक्शन ईजी गया। यही सेक्शन जो है जो आपको कंपटीशन से बाहर फेंक सकता है, क्योंकि मैं इसके बाद एक बात बताने जाने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और जो पूरा कट ऑफ है उसी बात पे निर्भर करता है। सो हम देखते हैं कि वो बात क्या होगी। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, फेज वन में जो बोला है कैंडिडेट्स वुड हैव टू सिक्योर मिनिमम 40% कट ऑफ मार्क्स सेपरेटली फॉर ईच टेस्ट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द फेज टू। मतलब इस हर सेक्शन में आपको 40% मार्क्स मतलब 16 इन ईच सेक्शन आपको मिलने ही चाहिए। इसका मतलब मिनिमम कट ऑफ तो 80 तो रहेगा ही, 5 सेक्शन है तो 16×5 80। सो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हम कट ऑफ कैसे प्रेडिक्ट करें, क्योंकि क्या है यहाँ पे बैंकिंग एस्पिरेंट्स ने ज़्यादा फॉर्म भरा नहीं है क्योंकि सिक्योरिटीज़ का सिलेबस था, स्टॉक मार्केट था। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं वो RBI ग्रेड बी और नॉर्मल UPSC और स्टेट सर्विस PSC के जो एग्ज़ाम्स है जिन्होंने थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट्स के बारे में जाना है। लेकिन जो बच्चा स्टॉक मार्केट्स के बारे में जानेगा वो हार्डली बैंकिंग सेक्टर से रिलेवेंट होगा, RBI ग्रेड बी वगैरह की बात हम कर सकते हैं। तो उनको ज़्यादा
एडवांटेज मिलेगा, लेकिन रीजनिंग मैथ में वो कम पड़ जाएंगे। एक आधे बच्चे का यदि इंग्लिश बहुत अच्छा है तो स्टॉक मार्केट में गड़बड़ा जाएगा, रीजनिंग मैथ में गड़बड़ा जाएगा। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम का कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते कि क्या कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि कितने बच्चे कैसे कहाँ पे कितना एडवांटेज लेंगे। देखिए, मेरा अटेम्प्ट तो मैं बताऊंगा दोस्तों कि मैंने क्या पे रीजनिंग में मैंने 35 किए हैं, मैथ्स में मैंने 28 किए हैं, जीके में मैंने 25 किए हैं, सॉरी जीके में 28 किए हैं, स्टॉक मार्केट में मैंने 24 किए हैं, मुझे यही पे थोड़ी बहुत उम्मीद कम है, और इंग्लिश में मैंने 27 किए हैं। सो जस्ट अ मिनट, सो टोटल 142 मार्क्स का मेरा अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन रीजनिंग मैथ्स में तो मैं कर जाऊंगा, जीके में भी मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में और इंग्लिश के बारे में बता नहीं सकता। यहाँ पे 10 मार्क्स मुझे आने ही वाले, लेकिन इसके ऊपर जो मुझे 6 मार्क्स चाहिए उसके बारे में मैं तो कुछ भी नहीं बता सकता, इसलिए कट ऑफ का प्रेडिक्ट करना इसके लिए बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कट ऑफ तो बेसिक यदि 80 है तो ज़्यादा तो जाएगा ही भी नहीं, 90 तो बहुत हार्ड होगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया 80 रहेगा, मतलब ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ बच्चे तो निकल जाएंगे, लेकिन वैकेंसीज यदि 490 मतलब 89 समथिंग कुछ तो भी 3×10 मतलब उनको ज़्यादा बच्चे भी लेने नहीं, उन्होंने 10 टाइम्स लेने तो उतने बच्चे भी निकल जाएंगे, कट ऑफ 90+ भी जा सकता है, 1000 बच्चे तो निकल भी सकते हैं, नहीं तो 1000 बच्चे नहीं भी निकल सकते। तो इस एग्ज़ाम का कट ऑफ प्रेडिक्ट करना मेरे लिए बहुत ही टफ जा रहा है, क्योंकि मैं अंदाज ही नहीं ले पा रहा हूँ, और यस्टरडे का इसी का कट ऑफ प्रेडिक्शन भी मेरा बहुत गिरा है। मुझे लगा 1.5 लाख ही लोगों ने अप्लाई किया तो कट ऑफ में थोड़ा बहुत असर कम पड़ेगा, 62 61 मैंने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन ओपन का कट ऑफ गया 71। सो आप अभी कट ऑफ के बारे में बता मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ जो कुछ बातें थी हमारे पास मतलब एग्ज़ाम देना तो वही एग्ज़ाम मैंने दिया, उसके बारे में बात करते। सो उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि मैं प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है, डेट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, वो तो आपको पता है कि 16 दिसंबर को है, और जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट होगा इसका वो डेफिनेटली 13 नवंबर तो होगा ही होगा, क्योंकि 16 डेज बाद में बचते हैं, तो हैटली 28, 29, 30 नवंबर 28, 29, 30, 3 दिनों के अंदर अंदर उसका कट ऑफ सॉरी उसका रिजल्ट तो आना ही चाहिए, आ ही जाएगा, कोई उसके बारे में टेंशन भी मत लीजिएगा। सो ये जो क्राइटेरिया 40% का, ये बहुत हैम्पर करेगा कट ऑफ को और बहुत डिबेट कर सकता है, मतलब जहाँ पे इतना यदि यहाँ ये कट ऑफ नहीं रहता, ये क्राइटेरिया नहीं रहता तो कट ऑफ 120 भी जा सकता था, लेकिन ये क्राइटेरिया है इसलिए बच्चे जनरल अवेयरनेस इंग्लिश कॉन्टेस्ट नहीं में तो कर ही जाएंगे, अटकेंगे अवेयरनेस इन अबाउट सिक्योरिटीज मार्केट। यहाँ पे उन्होंने फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल पूछा था, फाइनेंस कमीशन के चीफ पूछे थे, सेबी के 2-3 लेकिन बहुत डिटेल था, मतलब मैंने जितना स्टॉक मार्केट पढ़ा है ना उससे तो मुझे कुछ ना कुछ सवाल नहीं, बहुत सवाल मुझे थोड़े बहुत टफ लगे, क्योंकि डिटेल्स स्टॉक मार्केट का पूछा था, डिटेल इन प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, उनके डिटेल प्रोविजन उन्होंने पूछे थे। सो मेंस के लिए भी शायद बहुत ही डिफिकल्ट पेपर हो सकता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।